नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ऐसा ही एक महाराष्ट्र के मछुआरे के साथ हुआ है। कैसे बना करोड़पति महाराष्ट्र का मछुआरा, आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में पालघर के मछुआरे चंद्रकांत तारे पर किस्मत कुछ ऐसे कदर मेहरबान हुई कि वह एक झटके में ही करोड़पति बन गया। मछली पकड़ने के लिए चंद्रकांत के बेटे सोमनाथ ने जैसे ही समुद्र में जाल डाला तो सी गोल्ड कही जाने वाली दुर्बल गोल मछलियां इसमें फंस गई। वह भी एक नहीं, दो नहीं, पूरी 157 गोल मछलियां एक साथ जाल में फंस गई। इन मछलियों की कीमत 1,33,00,000 खरीदारों के द्वारा लगाई गई। सोमनाथ के अनुसार उन्होंने हर मछली को करीब 85,000 रुपये में बेचा है। गोल मछली इतनी महंगी बिकने पर उसकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। आपको बताना चाहेंगे कि गोल मछली दवाइयां और कॉस्मेटिक्स के सामान में काम आती हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान जैसे देशों में इसकी बहुत मांग रहती है और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले धागे जो अपने आप गल जाते हैं वह भी इसी मछली से बनाए जाते हैं। सोमनाथ के मुताबिक इन मछलियों को यूपी और बिहार के व्यापारियों ने खरीदा है। इन मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र तट से 20 से 25 नॉटिकल माइल अंदर भी जाना पड़ता है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रदूषण के कारण यह गोल मछलियाँ समुद्र के किनारे नहीं आती हैं। सोमनाथ के अनुसार उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई पहली बार उन्हें मिली है तो खुशी का ठिकाना इसीलिए उनका नहीं है। और फिर हम कहेंगे कि कहावत यही है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, यही लागू बात इस मछुआरे पर हुई है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।